हेलो गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय अनदर गेमिंग वीडियो। तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। गाइस, आप सबको याद ही होगा कि लास्ट एपिसोड में हमने मार्टिन मद्रासो की गोल्ड कलर की कार चोरी कर ली थी। तो गाइस, बाय द वे, आप देख रहे हैं ये मिलिट्री वाली कार है जो मैंने कैप्टन की चोरी की थी। गाइस, मेरे पीछे ना बहुत बड़ा पंगा बढ़ चुका है। ये जो कार है ना, ये भाई मेरा लास्ट टाइम है इसको चलाने का। मैं भाई, क्योंकि वो वाली बात तो भूल ही गया था, अगर मैं भाई मैं बिना कोई मास्क पहने ही वहाँ पर चल गया, और भाई मुझे ये बात तो भूल ही गई थी कि वो मेरे पीछे केस कर सकता है कैप्टन की गाड़ी चोरी करने पर। तो भाई उसने मेरे पीछे केस कर दिया, उसको उसने अपने कैप्टन को दे ही दिया होगा भाई मेरा फ़ोन नंबर और भाई मेरी आइडेंटिटी किसने चोरी की है। और भाई उसके कैप्टन ने मुझे मिलिट्री बेस पर बुलाया है, और उसने ये भी कहा जो कार तुमने चोरी की थी ना भाई, उसको भी लेकर आना। और भाई उसने मुझे ये भी धमकी दी है, अगर तुम आज के दिन नहीं आए ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर में जाकर तुम्हें और तुम्हें मिलिट्री बेस कह रहा हूँ भाई, तुम्हारी फैमिली को सभी को मार दूंगा। तो फिलहाल भाई रात होने वाले हैं और ये भाई सनसेट हो रहा है। सन तो फिलहाल अभी मुझे दिख नहीं रहा भाई, वो पहाड़ों के पीछे छुपा हुआ है। ओके भाई, मिलिट्री बेस यहाँ से पास नहीं है। गाइस, मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कहीं वो भाई मुझे मार ही ना दे। उसने कहा था कि मैंने सभी ऑफिसर्स एंड कमांडर्स को बता दिया है कि तुम आने वाले हो, तो सभी तुम्हें रोकेंगे। और गाइस, उसने मुझे ये भी कहा था कि गाड़ी में कोई डेंट नहीं आना चाहिए, और गाइस इस पर कोई डेंट भी नहीं है भाई, गाड़ी पूरी नीट एंड क्लीन है भाई, बिल्कुल न्यू कार है, क्योंकि मैंने इसको रिपेयर भी करवा दिया था और भाई इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कराया है। तो भाई मुझे ये भी डर लग रहा है कि अगर उसने नहीं बताया होगा कि कमांडर्स को कि मैं आने वाला हूँ, तो भाई वो जो सिक्योरिटी गेट पर जो सिक्योरिटी दे रहा होता ना फ्रंट गेट पर ही, भाई उसने ही मुझे मार देना है। तो गाइस, मैंने फुली अपना आर्मर पहना हुआ है, जो आराम से भाई 500 गोलियाँ तो झेल ही रहेगा। गाइस, यहाँ पर ही सिक्योरिटी देता है, देते ही है, मुझे रोकता है या नहीं। ओ नहीं का भाई, भाई थैंक यू भाई। तो गाइस, इसने मुझे नहीं का, तो आज हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं भाई साहब। तो गाइस, जल्दी से चलते हैं इसको एक्सप्लोर करने, तुम्हें आराम से दिख जाएगा। ओ भाई, मुझे टावर तो दिख ही रहा है, ये गाइस, ये भाई उसने कहा था सीधा जाकर लेफ्ट ही है, हम लेफ्ट में बैठ गए हैं। एंड गाइस, ये देखो इसका हेडक्वार्टर। गाइस, मैं इसके अंदर पहली बार जाऊंगा। और वो कह रहा है जो कमांडर ने तुम्हें बुलाया है ना, कैप्टन ने, वो भाई पूरी बिल्डिंग के टॉप पर है। तो गाइस, पहले मुझे लगता है इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, तो गाइस इसने मुझे अंदर जाने की परमिशन दे दी है। तो गाइस, जल्दी से इसकी गाड़ी को लेते हैं। और गाइस, ये कह रहा है कि तुम्हारा जो कमांडर है ना, वो कैप्टन, सॉरी, वो सबसे ऊपर को है, तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा और तुम लिफ्ट का यूज़ करके जा सकते हैं। एंड यहाँ पर एक कैबिनेट है भाई। ओके ओके, तो ये भाई बातें शातें कर रहे हैं। भाई तुमने ड्रेस नहीं पहनी हुई। ओ भाई भाई भाई, ध्यान से भाई, अगर इन्होंने मुझे कह दिया ना भाई, नहीं नहीं भाई, भाग नहीं भाई, भाई 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 मुझे मार, ये क्या था भाई भाई, उन्होंने मुझे मारने लग जाना था। तो गाइस, यहाँ से लिफ्ट है और यहाँ से सीढ़ियाँ हैं। तो गाइस, हम लिफ्ट का यूज़ करेंगे भाई, क्योंकि इतना ऊंचा टावर है। ओके, तो अब बंद हो जा। तो गाइस, मैं टॉप फ्लोर पर पहुंच चुका हूँ। एंड गाइस, ये देखो मैंने प्रॉपर एक सूट पहना हुआ है, क्योंकि गाइस मैंने बहुत ज़्यादा, अगर वो कैप्टन है तो भाई वो एक अमीर बंदा ही होगा ना। तो गाइस, तो एक पॉइंट इसका ये है, एंड दूसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर आर्मर, शार्मर, गन्स वगैरह बहुत अच्छे से छुप जाती हैं। तो गाइस, किसी को मुझ पर शक नहीं होगा कि मैंने आर्मर या फिर गन्स साथ में लिए हैं। एंड गाइस, यहाँ पर और कोई रूम है क्या? यहाँ से एक है रूम। पूरे भाई यहाँ मतलब भाई पूरे हेलो भाई, कमांडर कैसे हो? यहाँ पर कमांडर नहीं भाई, पूरे टॉप पर है।
ये तो इनका कोई कंट्रोल रूम वगैरह है ना। ये और यहाँ पर भी ये गेट है भाई। ओके भाई साहब, यहाँ पर तो इनका सभी डाटा इंस्टॉल होता है, स्टोर सॉरी। और भाई यहाँ पर कैमरा भी लगा हुआ है, तो मैं इनको सबको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, बट मेरे दिमाग में एक आइडिया है। वो जो कैमरा है उसकी इमेज यहाँ तक तो नहीं आती होगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई लगे यार स्टिकी मॉम भी लगा देते हैं। अगर इसने मुझे मेरे कोई गोली चलाई भाई, तो मैं इसको फोड़ डालूंगा भाई। दो एंड ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छः, ये भाई नीचे लग गया भाई। नीचे क्यों लग रहा है? एंड भाई एक कैमरे पर लगा देते हैं, ये सात पता नहीं भाई अब कितने होंगे। निकल। तो गाइस मुझे लगता है उसने मुझे देखा नहीं है। तो गाइस यहाँ पर पूरे स्टिकी बम लग चुके हैं। एंड गाइस अगर उसने मुझ पर कोई भी बुलेट चलाई, तो भाई देखना उसका क्या हाल बनता है। एंड पूरे के पूरे इस मिलिट्री बेस का भाई काम तमाम हो जाएगा, स्टोरेज वोरेज का। एंड गाइस यहाँ पर मुझे दो लोग दिख रहे हैं। एंड गाइस ये है उनका कैप्टन। ओके तो गाइस मेरी इससे बहुत हो गई, और ये मुझे मुझे मारने को लगे हैं। निकल 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 भाई साहब। भाई तो भाई मैंने स्टिकी बम प्लांट किए थे, उनको भी भाई फोड़ देते हैं ये बात। चलो भाई निकलो निकलो यहाँ से, मुझे लगता है इनका सभी सिस्टम भाई उठ गया होगा और बहुत ज्यादा। ओ भाई वो तो अच्छा है मैंने आर्मर पहना हुआ है। भाई दोनों बंदे मर गए। तो भाई सुबह होने हो गई है, तो भाई इनका ये भी सभी कंप्यूटर उड़ा देते हैं ना भाई। कंप्यूटर नहीं सीपीयू उड़ाना पड़ेगा इनका। ये देखो नीचे को लगा हुआ है इनका सीपीयू। ये बात अगर सीपीयू उड़ गए तो इतना धमाका तो है ही भाई कि ना साथ ही साथ मॉनिटर भी टूट जाए भाई। भाई ये बात भाई इसके ऊपर लगना भाई, ये चेयर में लगे। ये बात भाई उस पर बहुत स्टिकी बम लगे हैं। तो भाई ओ भाई 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 ये क्या था? एंड सभी भाई का डाटा सभी उड़ चुका है भाई। तू कैसे रह गया? ये निकल। चलो भाई साहब, तो भाई आज अब मुझे लिफ्ट से नहीं इसका ही भाई, क्योंकि उन्होंने लिफ्ट ना बंद कर दिया है। बंद कर दी नहीं है भाई, कर दी होगी मुझे पक्का यकीन नहीं है। और भाई अगर मैं जैसे लिफ्ट से नीचे उतरा, तो भाई मुझ पर गोलियों की बारिश हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि सीढ़ियों से जाना ही बेस्ट है। तो भाई फिफ्थ फ्लोर पर ही अभी पहुंचे हैं, हम सिक्स फ्लोर पर थे, तो अभी और उतरना पड़ेगा हमें। ओके तो गॉइज मुझे बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, एंड मैं अभी सेकंड फ्लोर पर ही पहुँचा हूँ। अभी भाई मुझे फर्स्ट फ्लोर पर जाना है। ओके भाई सीढ़ियाँ भाई आ ही जा रही हैं, और माइकल भी मुझे लगता है थक चुका है अभी। ओके तो हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए हैं। एंड गाइस सीधा कोई भी नहीं खड़ा, क्या बात कर रहे हो भाई, इससे अच्छा मैं इस लिफ्ट से ही आ जाता। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई है भाई? मुझे लगता है कि वो मेरा यहाँ पर स्वाद कर रहे होंगे भाई। पहले तो मुझे यहाँ पर एक स्टिकी बम लगाना पड़ेगा। निकल, मुझे लगता है सभी मर गए होंगे अगर कोई भी होगा। ओ भाई भाई तुम कहाँ पर हो? ये देखो भाई गन में इसकी उठा लेते हैं। तो भाई निकल, वो शॉर्ट गन लेकर आया था ये। ओके ओ भाई 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 मौत। ओ मैं भूल ही गया था कि मैंने वो पहना हुआ यार मर। तो अभी भाई मेरे कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। ओ गाइस उन्होंने अपनी गाड़ी फोड़ दे ली है गाइस।
कोई बात नहीं भाई, अब कहाँ से भागेंगे? ये बात भाई, यहाँ पर गाड़ी ना ट्रक मिल चुका है हमें, लेट्स गो। यहाँ से जल्दी बैठते हैं, और भाई सामने पूरी गाड़ियाँ इनकी फोर्स लगी हुई है, तो मुझे यहाँ से ही जाना पड़ेगा। एंड ओ भाई भाई भाई, ध्यान से ध्यान से भाई, निकल निकल भाई, ये मेरा प्रॉपरली रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। इनकी आर्मी भाई बहुत ज़्यादा स्मॉल, एंड ये टैंक भी आ चुका है भाई। यहाँ से जल्दी से मुझे करना पड़ेगा भाई, भागो 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 भागो। नहीं नहीं भाई भाई, बुलेट्स आ ही रही हैं भाई भाई, फोर स्टार पुलिस मुझे पड़ चुकी है। एंड मुझे लगता है मेरा मुश्किल ही है यहाँ से करना। ओ भाई, भाई भाई भाई, ये क्या हो गया? भाई भाई भाई, ये क्या? ओ भाई भाई, बच गया भाई साहब, मैंने लगे आता सीट का इजेक्ट कर दिया था। एंड गाइस, ये तो अभी बहुत मुश्किल, सामने एक लैम्बोर्गिनी खड़ी है भाई, लैम्बोर्गिनी है ये, तो भाई जल्दी से इसमें बैठते हैं भाई, एस्केप कर लेते हैं। गाइस मुझे लैम्बोर्गिनी मिल चुकी है भाई, यहाँ पर हमारा फाइटर जेट क्रैश हुआ है, और मुझे लगता है अब मैं एस्केप कर सकता हूँ भाई। अगर मुझे पहले ही मिल जाती ना, तो भाई अब मैं कब का एस्केप कर जाता। तो अभी मुझे लगता है मेरी अभी 300 बुलेट्स हुई होंगी। तो गॉइस बॉय साहब, उसने मुझे प्रॉपरली ट्रैप कर दिया था कैप्टन ने, तो बॉय उसका कैप्टन तो मर ही चुका है, तो अभी मैं सेफ हूँ भाई, क्योंकि इनको अब मेरी लोकेशन नहीं पता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी कैप्टन को ही सिर्फ पता होगी ना उनकी लोकेशन, तो ये मेरे घर में आकर मुझे नहीं मार सकते। तो गाइस मुझे भागते भागते पूरा एक दिन हो चुका है, एंड भाई ये अगले दिन की शाम है, और अभी जाकर भाई पुलिस ने मेरा पीछा छोड़ा है। एंड गाइस ये आप देख सकते हो कि लैम्बोर्गिनी का क्या हाल बना है भाई, ये सामने से नहीं है लैम्बोर्गिनी लगती, पर पीछे से भाई प्रॉपर एक लैम्बोर्गिनी लगती है, प्रॉपर लैम्बोर्गिनी मिल चुकी है। तो गाइस इसको हम चला सकते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट्स में नहीं होगी, एंड भाई हम इसका कलर भी भाई चेंज करा देंगे। तो गाइस आज का वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।